एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां भी बनाया करता था और इस काम से वह अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता था। फिर उसे एक बेटा हुआ और उस बेटे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार अपने बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल ही दिया करता था और वो कहता था कि बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था, वह अपनी बाप की सलाह पर अमल करके और मूर्तियों को बेहतर बनाया करता था। और इसी लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी। और ऐसा टाइम भी आया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहली वाली कीमत पर ही बिकती थी। लेकिन बाप अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब यह अच्छा नहीं लगता था और वो बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया और बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला कि पिताजी, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे ज़रूरत है, मेरी मूर्तियां परफेक्ट हैं। फिर बाप ने बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना, उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो बेटा खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उनकी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते जितने पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गया था। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने बाप के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसा कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा कि पिताजी, आप जानते थे कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है? तो बाप ने कहा कि हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से गुजर चुका हूँ। फिर बेटे ने सवाल किया, तो पिताजी फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? तो बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियाँ दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे और तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब मुझ में और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तो तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई और लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है और ना ही उसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इतना बात सुनकर बेटा थोड़ा देर चुप रहा। फिर उसने सवाल किया कि पिताजी, अब मुझे क्या करनी चाहिए? बाप ने सिर्फ एक लाइन में उत्तर दिया कि अनसेटिस्फाई होना सीख लो। ऐसा मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है, यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते रहेगी और तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी।